के कर मेरा सीना भी खोल ते मेरा हिक बस्ता चावण आला बोलो वजीर ओ तो ही दा वजीर आई ये मत समझो बे नाथ खान मौलवियों के वजीर होते कोई ना इन्ना जो गल कोई नहीं होती ये शुक्र करो जरा होता है ना सटेज नाथ पढ़ के वो इंडिया के वेदर में मेरे को निकलन का राह लग पाया तजर्बा कर ये तो वैसे नाथ खां है ही नहीं जुल्मकार ये तो बाद जोई होया ये नाथ खां नहीं है ये तो उन्हें सानू ये नाल प्यार है वरना जे नाथ खान होंगे ना वो जिसले नाथ पढ़ लवे फटाफट पहले लड़ी ने जवाब दी लोग समझे भी इनू पता नहीं कोई वजन पिया वधा हो सी मगर असल दे अंदर वो जी हराम की कमाई होती है ना लैटरीन जवाज के गिणता होता अल्लाह अल्लाह अब्बा जी का मतला अलह फरमाते हैं भाई मेरे तजर्बे दे विच आया दो टोले ऐसे होंगे वो कभी हिदायत नहीं आ सकते पता नहीं उन्होंने अपना एक तजर्बा हो सी वो फरमाते हैं एक तो जो मौलवी था उन थैला चावल वाला वो दूआ जो नाथ खान होता ये तो जल्द ही मर सर किराड़ हो के मर सर ये जेडे नेड़े होंगे इंजे समझो उतना ये अंधेरे च होंगे पंजी आते टीवी थले ये होते रहे अल्लाह दे पैगंबर ने दो चीजों का मुतालबा फरमाया एक तो मेरा शरा सदर फरमा दे दुआ मेरा वजीर भी बना दे खुद मंग के ले आयस अल्लाह ने शरा सदर भी फरमा दिता ते हारून फिरा वजीर भी बना दिता मगर जदा मेरे मोहम्मद अल्लाह
अल्लाह करीम फरमांदा है मेरा सोना मोहम्मद रसूलुल्लाह तेरा मकाम भी इतना मैं अल्लाह ने बुलंद फरमाया ओ मंगदे गए ते तैनो सब मंगया देंदे गए हता के अल्लाह दे कुरान ने क्यों फरमाया है एक दे अल्लाह दा पैगंबर बड़ा परेशान है बैठा है अपने अमानत दयानत नाल दसो के पैगंबर जड़ा शिया पे अभी तालिब दे अंदर बाबा है दुश्मन जड़े पैगंबर तो फौकण वाले कोई पैगंबर नु कायम ते मजनून पिया दे मुहम्मद रसूलुल्लाह नु बार बाजार च पैसे नाल सौदा भी खरीदण कोई नहीं पिया देंदा अल्लाह दे पाक पैगंबर दी ज़ुल्फ़ां दे अंदर सारे दिन दा कूड़ा किरकट इकट्ठा करके सदिया जा रहा है अल्लाह दे पाक पैगंबर दे सर मुबारक नु जख्मी किया जा रहा है अल्लाह दे पाक पैगंबर मुहम्मद रसूलुल्लाह दे कतल दा मनसूबा बनाया जा रहा है हत्ता के अज ओ वक्त आया है कि मुहम्मद रसूलुल्लाह दी गोद मुबारक दे अंदर 17 महीनियां दा पुत्र बना ही सुस्कियां ले ले के परवाज कर गया है अल्लाह दा पैगंबर ढाई मार मार के रोंदे बैठा है सोने पैगंबर दी दाढ़ी मुबारक दियां सोना तर हो गई है अल्लाह दे पाक पैगंबर रोंदे भी बैठे हैं ते नाल नाल उठे आदम ओ इब्राहीम ते मलक ता आना कोई नहीं आए मगर मैनू अल्लाह दी जात दी कसम है तेरे पुत्र दे विछोड़े वाली अग मेरे सीने च दुख दी रह जानी है जे तेरी मैं जीदिया रहा है तेरे पुत्र दी जुड़ाई दी अग दे अंदर मेरा दिल दुख दे रह जाना है यो जे मौके दुते ते दुश्मन भी सोटियां सट के आवें मेरा मेल यार हुण इहदे नाल किहड़ा मुकाबला ठुकदा है मगर वाली अल्लाह दे पाक पैगंबर दे दुश्मन बैठे ने तारिये मरे दे बैठे ने शुक्र है मुहम्मद दा पुत्र मर गया है शुक्र है कि मुहम्मद दी सदेज खाली हो गई है जे तेरी आप आई हो तेरी तो कुरान कुरान दी रट लगदी रह गई है जदा इसने भी टल लगाना है पीछे दा नाम लवण वाला कोई नहीं आना अल्लाह दा पाक पैगंबर सर कतार होंदा बैठा है कुर्बान जावां अल्लाह दे अंदाज बयान कुरान ते अल्लाह ने जिब्रील अमीन नु खल के नहीं फरमाया क्यों प्यारा मैं मेरा मुहम्मद मेरे खजाने विच पुत्रां दी थोड़ तक कोई नहीं पै गई एक लै लिया ते दुआ होर भी दे दी साए ए नहीं अल्लाह ने तसलियां फरमाया बल्कि रोंदे होए मुहम्मद दे दिल नु हौसला दिवाया ते कड़ी गल नाल दिवाया है अल्लाह फरमाता इन्ना मोहब्बत न रखे तेरा खुदा नाल केड़ा जोड़ है अल्लाह नाल जुड़ नहीं तो पहले अपने दिल दे रुख नु कर मेरे मोहम्मद रसूलुल्लाह चेहरा तो बना मोहम्मद की सूरत वरगा बने सो हुण इरादा तो करो जा चिल्ले दा ना सही इनू हथावण दा इरादा करो
करो ये तो कोल बैठे बने तो जो सारी जिंदगी में छिलेंदे मुछेंदे रह जाओ तो साफ सुबह सुबह जो अल्लाह की मर्जी इंशाल्लाह ने यो मान ली अगर अल्लाह हाथ खड़ा करो दिलू होके ते ओ करे है दाढ़ी वाले ना जेड़े मुनाई बैठे जेड़े सच्ची नीयत रख इथाई जो इन कीती बैठा करम वाले मेरी नजर तो ते इथे जम पई है अल्लाह मैं इतना ही डरे एक प्रोग्राम तो गया वो एक बुजुर्ग बैठा आई तो उन्होंने बड़ा जोश चढ़े मैंने आखन लगा अल्लाह दा वास्ते सुबह दी अजान तक लगा मैं आख मैं लगा रहा सा पर जेड़ा न तेरी कोई मुछ है न कोई दाढ़ी है तू दाढ़ी खावन का वादा कर मैं लगा रहा सा अल्लाह पाक भाई उसने इस्तकामत नसीब फरमाए उस ले उस खड़ा हो गया उस आके मेरा वादा आज के बाद मैं दाढ़ी ना बोले तुहाडे विच ओ जज्बा ईमान कोई नहीं अल्लाह ओ करम वाले हो एक दो तो कोई हाथ लंबा करवा पता लग गया भाई चलो वाकई ओ तू तो अगे रखाई जो बदल कर नौजवान तो डरे और डरते बैठे भाई हुने नाल जे दाड़ी रखाई तो मुड़ चाचा जे लै ला रिश्ता रिश्ता ही कोई देवे अल्लाह सोहरे मुहम्मद रसूलुल्लाह नु अल्लाह तसलियां पे देता है मेरा सोना जे तू टर भी गयो ना तो तेरे आशकान जेड़े हैं तेरे कुरान नु डुबन नहीं दें दे हर हाल ते कुरान दी तबलीग जरूर जारी रखे तसल्ली अल्लाह ने उस मौके ते दित्ती है जदन खुशियां काफिर पे मनाई दे कौन बोलो सेली हालत आई जद अल्लाह मुहम्मद सईद खान रहमतुल्लाह अलैह दुनिया तो टुरे अल्लाह की कसम मैं अपनी बीती बैठा दसदा एक मौलवी दा वफादार है दुआ आ रहा जमात चलती है लीड की जाती है क़यादत करना कोई आसान मामला नहीं तेन मौलवी के हलाके का पता नहीं फलाने नाल रल जा फलाने नाल रल जा फलाने नाल रल जा खुदा दी कसम है खुदा दे घर च बैठा अल्लाह दा कुरान सामने है एक नहीं हजारा मौलवी आए सैकड़ा मौलवी आए मेरे दो महीने इंज मैनु मालूम होए मैं पागल हो जाऊंगा मौलवी कोई इधर तुम्हें दफे है कोई इधर तुम्हें दफे है एक ने लाठी लाठी उठी पिया अल्लाह नु आख्या अल्लाह मौलवी नहीं जीवन देते तू मेरी रहनुमाई फरमा फिर सुबह सवेरे इसे ऐलान किया मौलवी रल्ले ने रल्ले अकेला कलीमुल्ला गज के रंग कुरान पढ़ के सो रही मेरी रहनुमाई खुदा ने की है मरदा मर सकता है रब ने कुरान ना बेवफाई नहीं कर सकता ये अम्मा सईद मौलविया नालो फट के गुजारा कर सकता है अम्मा सईद मुलवानिया नु छोड़ के गुजारा कर सकता है तो मेरे अंदर भी खून जिगर है तो जिगर अम्मा सईद है मरदा मर सकता है कुरान नु छोड़ के कलीमुल्ला कैसे सर जा सारिया बरकत किताब बोलो यार रब दे कुरान अल्लाह दा वादा ला तहिनु वला तहजनु तुहाडे ते भार आवे कमजोरी ना भी खाया है ला तहजनु अपने प्यारे छोड़ जावन गम ना करया है
तुसा मेरे कुरान जफा मारी रखे आम तो मुल आ लो मेनु अल्लाह हो कसम तेरे तुरे दिन ब दिन अल्लाह तेरी इज्जत में दुआला कर दे शर्त क्या है इन कुम तुम मुमिनीन अगर तू मेरे सच्चे कुरान ते सच्चा ईमान रखिया तेरी इज्जत नो मैं अल्लाह का हकदार होवां अपनी अमानत दयानत नाल दसो चलो मेरे अल्फाज तो मुबालगा आ रही नजर आ रही हो सी मरकजी खत्म हो गई बोलो अल्लामा अहमद सैयद खान अल्लाह दिया करोड़ रहमतां उहदे रूह ते ओ जे टुर गया कलीमुल्ला भी मर वैणा इस भी टुर वैणा अल्लाह होर मुजाहिद खड़ा कर दे सी अल्लाह ने अपने कुरान का सिलसिला जारी रखा हाँ अलबत्ता हर एक शख्सियत के अंदर खसूसियात अल्लाह अपनी रख देता है किसी ज्यादा रख दतिया किसी थोड़िया रख दी जे कमालात औसाफ अलामा अहमद सैयद खान अल्लाह रखे जो मां ने वत नहीं जावे कलीमुल्ला वर्गे लखा रल के आ जावे ओदे दा मिणते खुद वे दे नाल ही कोई मुकाबला कर उसका हित अपना है मन सरे का अंदाज़ा देखो ना अजे तक भी भावे अपने हैं भी गाने जेडे साडे गैर जमाती है वो भी जे टुक्कर खांदे वदे तो उसे अलामा साहब ने खुतबे नु पका के खांदे वदे है इंजे नहीं होंदा खुदा दी कसम है अगले दिन मेरे एक जगह उत्ते जलसा होया उन्ना मुकाबले दे अंदर दा मौलवी सदाया उन्होंने इंतजामिया ने आख्या जे मजमा कट्ठा करना ही नहीं तो कोई मुल्तानिया का शगिर्द बोलो कि शगिर्द कोई ना कोई जे सज कोई रंग कोई असर जरा है बलोचाला हो हूं वो बैठा जो भी मरे रसूल हम दिल आप कुछ नहीं अल्लाह सटेजा वास्ते बलोच चाहिए अच्छा अल्लाह अल्लाह सोहरे मोहम्मद रसूल अल्लाह का हया पैदा कर अल्लाह के कुरान नाल जोड़ पैदा कर अल्लाह अल्लाह एक मौके ते अल्लाह करीम ने फरमाया मेरा सोहरा मोहम्मद तेरिया बड़िया तारीफा सकीतियां बड़िया कीतियां ते करवाईयां फिरिश्ते भी तेरिया तारीफा दियां धूमे च लगे खले हता के आदम अलैहि सलातो सलाम दे बारे तवज्जो है ना अल्लाह दे पैगंबर दे बारे अल्लाह ने उस दे शान ते रिफत ते इज्जत बयान कर दियो या फरमाया अल्लाह आदम अल असमा असो फिरिश्ते जो दे नाम नु नुमाया कीता ता केड़ी वजह तो असो नु इल्म नसीब फरमाया केड़ी शायद बोलो अल्लामा आदम अल असमा असा उनानो इल्म नसीब फरमाया इस वजह तो फिरिश्ते खड़े आते हैं सुभानक अल्लाह इल्म लना अल्लाह ते जो तू जानता है वो असा फिरिश्तिया नु पता कोई नहीं है क्योंकि असा सारे नूरी रल वजाए तभी तेरे आदम की इज्जत शान शौकत नु मिल सकती बोलो अच्छा वल अल्लाह ने फरमाया उस जुदू आदम पैगंबर नो सजदा कीता है
ते उस आदम ने अपनी अखी नूरिया चुकदा होया वेख्या ओनू पग लग्या कि यारो जितनी इज्जत रिफत शान शौकत मैं आदम दी है इंजी नूरी मखलूक की शान शौकत नहीं है। यानी अल्लाह करीम ने पैगंबर आदम की तारीफा करवाइया पैगंबर आदम दियाँ तजीमा करवाइया तकरीमा करवाइया तकीना कोलो नूरिया कोलो कराया।